जांच पड़ताल करने के लिए उनको अब तक अपने रिमांड पर रखा था कोर्ट के आदेश से, और आज रिमांड पूरा करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया था। और अब चूंकि ईडी अपने रिमांड में रखकर कोई और ज़्यादा पूछताछ नहीं करना चाहती, उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें अगले 15 दिन तक जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। और ये कोर्ट का कानून का प्रोविज़न भी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो या जब तक बेल ना हो जाए, किसी भी मुजरिम को 15 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। तो आज 15 दिन के लिए कोर्ट ने, 15 क्या 14 दिन के लिए कोर्ट ने उनको जेल में भेज दिया है। कुछ बातें रखी गई थी कि जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सब क्या बातें हैं? देखिए, ईडी चाहती है कि उनके मन मुताबिक जवाब मिले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी केवल वही बता रहे थे जो सत्य है। आज दिन तक के किसी के बयान में कभी भी उनका नाम नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है, और कई कई बयान लेने के बाद भी जिन गवाहों ने उनका नाम लिया है वो बाद में पैसे दे दे के छूटे हैं। अगर आप शरद रेड्डी को लें तो 60 करोड़ रुपए में ईडी ने उनका पीछा छोड़ा है, और शायद यही शर्त रही होगी, क्योंकि पिछले 4 बयानों में उनका नाम नहीं था, 5वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया। तो लगता है कि ये सारा मनगढ़ंत और प्रपंच रचा गया है केजरीवाल जी को जेल में भेजने का, आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर। विजय नायर के लिए भी कहा कि पूछताछ में केजरीवाल का ये कहना था कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, भाई नए नाम आए पहली बार। भाई विजय नायर मीडिया हेड थे पार्टी के, मीडिया से संबंधित अगर उनको कोई जानकारी लेनी थी या देनी थी वो इलेक्शन में मीडिया को देख रहे थे। ऐसे में अगर ईडी का ये कहना है कि वो मीडिया हेड थे और वो दो मंत्रियों को रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो इसमें अनहोना कुछ भी नहीं है। इसका किसी शराब घोटाले से या किसी घोटाले से या किसी कोई एलिगेशन से कोई मतलब नहीं है।